तो माइनक्राफ्ट का 1.20 अपडेट आकर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है एंड अभी तक तो आपको इस अपडेट के सभी चीज़ों के बारे में पता चल ही गया होगा। बट इस अपडेट की सबसे बेस्ट चीज यानी कि कैलिब्रेटेड सेंसर, इसके बारे में किसी को भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि ये चीज है ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड। बट इस वाली वीडियो में कैलिब्रेटेड सेंसर के बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना। वैसे इस वाली वीडियो में मैं पहली बार लाइक एम रखने वाला हूँ जो कि है 100 लाइक्स का, तो प्लीज मुझे डिसअपॉइंट मत करना। वैसे मोजैन चाहती थी कि हम लोग माइनक्राफ्ट में वायरलेस रेडस्टोन बिल्ड्स बना सके, इसलिए उन्होंने इस कैलिब्रेटेड सर्च सेंसर को माइनक्राफ्ट में ऐड किया है क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिस्पांस देता है। वैसे दिखने में तो सर्च सेंसर का जुड़वा भाई दिखता है मगर इन दोनों के फंक्शंस बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो ये जो नॉर्मल सर्च सेंसर है वो अपने चारों तरफ रेडस्टोन सिग्नल भेज सकता है मगर ये जो कैलिब्रेटेड सर्च सेंसर है वो सिर्फ अपने तीन तरफ ही रेडस्टोन सिग्नल भेज सकता है क्योंकि ये जो फोर्थ साइड है इसका इनपुट है और यहीं से हम ये कौन से वाइब्रेशंस को कैप्चर करेगा ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल सर्च सेंसर है वो अपने से सिर्फ 8 ब्लॉक के रेडियस तक का ही वाइब्रेशन कैप्चर कर सकता है पर ये जो न्यू कैलिब्रेटेड सर्च सेंसर है वो अपने से 16 ब्लॉक के रेडियस तक का वाइब्रेशन कैप्चर कर सकता है। तो अब इसे बनाना कैसे है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एमेथिस्ट शार्ड्स को ले लेना है और हाँ, अगर आप इसे फॉर्चून 3 की पिकैक्स से तोड़ेंगे तो अब आपको और भी ज़्यादा शार्ड्स मिलेंगे और अब आपको सर्च सेंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो सिर्फ एंशंट सिटी में ही मिलते हैं। और आप इस सर्च सेंसर को एक्स पिकैक्स शवल होय किसी से भी तोड़ सकते हो, बस उस पर सिल्क टच लगी होनी चाहिए। वैसे ये सेंसर्स होय से ज्यादा जल्दी टूटते हैं और अगर आप इस सर्च सेंसर्स को बिना सिल्क टच के तोड़ोगे तब आपको सर्च सेंसर्स तो नहीं मिलेंगे बट थोड़ी सी एक्सपी मिल जाएगी। तो कैलिब्रेटेड सर्च सेंसर को बनाने के लिए आपको यहाँ पर बीच में सर्च सेंसर और इसके तीनों तरफ एमेथिस्ट शार्ड्स कुछ इस तरीके से रखने होंगे एंड जैसा कि मैंने पहले ही बताया था ये कैलिब्रेटेड सर्च सेंसर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिस्पॉन्स देते हैं। तो अभी मैं कैलिब्रेटेड सर्च सेंसर के सभी वाइब्रेशन लेवल के बारे में बताने वाला हूँ, साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये किस लेवल पे किस टाइप के वाइब्रेशंस को रिस्पांस देता है। तो इसके टोटल 15 लेवल्स होते हैं एंड ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसे रेडस्टोन के साथ यूज करोगे और बिना रेडस्टोन के तो ये नॉर्मल सर्च सेंसर की तरह ही काम करता है, बस इसकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा है। यहाँ पर जो इसका पहला लेवल है वो सिर्फ आपके मूवमेंट करने के बाद जो वाइब्रेशन होता है उसे ही कैप्चर करता है और ये जो सेकंड लेवल है ये सिर्फ आपके जंप करने के बाद होने वाले वाइब्रेशंस को ही कैप्चर करता है और ये जो थर्ड लेवल है ये सिर्फ आपके स्पाइग्लास यूज करने या फिर गोट हॉर यूज करने के वाइब्रेशंस को ही कैप्चर करेगा और जो फोर्थ लेवल का ये आप जब इलाइट्रा यूज करोगे तब भी एक्टिवेट होगा, साथ ही साथ जब एक डॉग पानी से भीग के आने के बाद एक्शन करता है तब भी एक्टिवेट होता है। तो फिफ्थ नंबर का जब हम कोई आर्मर पहनते हैं या फिर बदलते हैं तब ये वाइब्रेशन कैप्चर करता है। तो सिक्स्थ लेवल जब हम कोई एनिमल को खाना खिलाते हैं या फिर ये एनिमल जब ये ऐसे उठने हो या फिर बैठने का एक्शन करता है तब ये वाइब्रेशन कैप्चर करता है। ये सेवेंथ लेवल जब कोई मॉब या फिर प्लेयर को डैमेज मिलता है तब ये वाइब्रेशन को कैप्चर करता है। ये एट्थ लेवल जब हम कोई खाना खाते हैं या फिर पोषण या फिर पानी वगैरह पीते हैं तब ये वाइब्रेशंस को कैप्चर करता है। तो अब मैं आपको 9th और 10th लेवल के बारे में एक साथ ही बताने वाला हूँ। तो अगर हम कोई गेट, ट्रैपडोर, चेस्ट या फिर डोर को खोलते हैं तब ये 10th लेवल का वाइब्रेशंस को कैप्चर करता है और जब हम इन्हें बंद करते हैं तब ये 9th लेवल का वाइब्रेशंस को कैप्चर करता है। साथ ही साथ जब हम कोई जूट बॉक्स को हिट करते हैं तब जो वाइब्रेशंस होते हैं उसे सिर्फ 10th लेवल का ही कैप्चर करता है। तो 11th लेवल जब हम कोई केक खाते हैं तब ये वाइब्रेशंस को कैप्चर करता है, साथ ही साथ 8th नंबर का भी करेगा क्योंकि हम खाना भी खा रहे हैं। वैसे ये 11th लेवल होय मारने के साउंड को भी कैप्चर करता है, साथ ही साथ बेल के साउंड को भी कैप्चर करता है। जब हम कोई नॉन वूल ब्लॉक को प्लेस करते हैं तब ये 13th लेवल का वाइब्रेशंस को कैप्चर करता है और जब हम इस नॉन वूल ब्लॉक को तोड़ेंगे तब ये 12th लेवल का वाइब्रेशंस को कैप्चर करेगा। तो ये 14th लेवल का जब कोई प्लेयर या फिर मॉब स्पॉन होते हैं उसके वाइब्रेशंस को कैप्चर करता है और ये 15th लेवल का जब ये मर जाते हैं उसके वाइब्रेशंस को कैप्चर करता है, साथ ही साथ जब कोई एक्सप्लोजन होता है तब उसके वाइब्रेशंस को भी 15th लेवल का कैप्चर करता है। तो अगर आपको भी स्पेसिफिक वाइब्रेशन कैप्चर करने वाले कैलिब्रेटेड सर्च सेंसर को बनाना है तो कुछ इस तरीके से रेडस्टोन डॉट के सामने रेडस्टोन डस्ट को लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ खाना खाने या फिर पानी पीने के वाइब्रेशंस को कैप्चर करना है तो कुछ इस तरीके से रेडस्टोन डॉट के सामने 8 रेडस्टोन डस्ट को लगाना है।
और अगर मुझे सिर्फ ब्लॉक डिस्ट्रॉय करने वाले वाइब्रेशंस को कैप्चर करना है तो रेस्टोन टॉर्च के सामने कुछ इस तरीके से चार रेस्टोन डस्ट को ही लगाना है, और अगर मुझे लेवल 1 के वाइब्रेशंस को कैप्चर करना है तो कुछ इस तरीके से मुझे 15 रेडस्टोन लगाने होंगे, जो कि काफी ज्यादा है। इसलिए इसका शॉर्टकट भी है, वो भी लैक्टन के साथ। इसे यूज करने के लिए आपको भी ऐसा सेम स्ट्रक्चर बनाना होगा। साथ ही साथ आपको एक बुक एंड क्विल भी लगने वाली है, एंड उस पर आपको 15 तक नंबर लिख देने कुछ इस तरीके से, और इसे ही आपको लैक्टन के ऊपर लगा देना है। और अब आपको इसका फर्स्ट पेज खोल लेना है ताकि ये सिर्फ फर्स्ट लेवल के ही वाइब्रेशंस को कैप्चर करे, जैसे कि चलना, और बाकी के वाइब्रेशंस से इसका कोई भी लेना देना नहीं, जैसे कि कूदना या फिर ब्लॉक वगैरह प्लेस करना या फिर तोड़ना। और अगर आप इसका सेकंड पेज खोलोगे तब ये सिर्फ जंप करने के वाइब्रेशंस को ही कैप्चर करेगा, बाकी के वाइब्रेशंस से इसका कोई लेना देना नहीं। और इसी तरह बाकी के 13 लेवल्स भी काम करने वाले हैं। आपको जो भी लेवल चाहिए उस नंबर का सिर्फ आपको पेज खोल लेना है। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। और अभी मैंने 8th पेज को खोल लिया है। अभी मैं सिर्फ खाना खाऊंगा या फिर पानी पीऊंगा, उसके वाइब्रेशंस को ये कैप्चर करेगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसे मोजैंग ने ऐड किया है ताकि हम वायरलेस रेडस्टोन बिल्ड्स बना सके। अगर हम इस सेंसर के सामने एमेथिस्ट ब्लॉक को लगा देते हैं तो ये आगे तक वाइब्रेशंस को भेजता है। वैसे ये सेंसर अभी आसपास के आने वाले वाइब्रेशंस को कैप्चर कर रहा है, इसलिए बार बार ब्लिंक कर रहा था। और अब मैं इसे ऊपर एयर में बनाऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो अभी आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर मैंने पूरे सेटअप को यहाँ पर हवा में बना दिया है ताकि ये कोई दूसरे वाइब्रेशंस को कैप्चर ना करे। और यहाँ पर कैलिब्रेटेड सर्क सेंसर के सामने एमेथिस्ट ब्लॉक लगाया ताकि ये साउंड को आगे तक भेजे। तो ये साउंड आगे तक जाने के बाद यहाँ पर रेडस्टोन लैंप जलेगी और एमेथिस्ट ब्लॉक की वजह से ये और भी आगे जाएगा। और यहाँ पर भी मैंने सेम चीज ही की है, और यहाँ पर साउंड आने के बाद ये एमेथिस्ट ब्लॉक की वजह से और भी आगे जाएगा। और यहाँ पर आगे सिर्फ मैंने रेडस्टोन लैंप लगाया ताकि यहाँ पर साउंड आने के बाद हमें पता चल सके। तो अभी मैंने इस बुक का 8th पेज खोला है ताकि हमारे खाने पीने के वाइब्रेशंस को ही कैप्चर कर सके। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि ये चीज एकदम परफेक्टली काम कर रही है, और अब आप इसकी मदद से रेडस्टोन बिल्ड्स बना सकते हो, साथ ही साथ बहुत सारे ट्रैप्स भी बना सकते हो। तो आज की वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। वैसे हाँ, लाइक एम जरूर से कंप्लीट कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। और अगर आपको मेरी सर्वाइवल सीरीज का 3rd एपिसोड देखना है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर दो, मैं आपसे वही मिलूंगा।